शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्थानीय अपराध शाखा के कनान उप विभाग की टीम ने 16 जून को चोरी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के समय में ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक राकेश ओला ने इन मामलों को गंभीरता से लेने और स्थानीय अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण के पुलिस निरीक्षक अनिल जितावार को आरोपियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। इस कार्य में अपराध शाखा की टीम को कार्यरत किया गया था। इस मामले में आरोपियों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के नाम कलमना निवासी 27 वर्षीय दिलीप भैसारे, 22 वर्षीय नरेश अंकालू है। उनके तीसरे साथी 25 वर्षीय मुकेश रघुनाथ जम्भुलकर को टीम ने कामठी रोड 2 नंबर नाका से गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पिछले वर्ष जून महीने में तारसा जॉइंट मौदा के एक राइस मिल मालक के घर में सोने के गहने चोरी करने की बात कबूल की है और इसे अक्षय इंदौरकर, जो कि आदर्श नगर रानी दुर्गावती चौक 5 पावली निवासी है, और जरीपटका निवासी राजू राउत को बेचने की बात कही है। इन्हें भी अपराध शाखा ने उनके निवास स्थान से हिरासत में लिया है और चोरी किए गए गहने जब्त किए हैं। बता दें कि स्थानीय अपराध शाखा की कनान उपविभागीय टीम को 16 जून को गश्त करते हुए जानकारी मिली कि नागपुर ग्रामीण जिला से चोरी कर आरोपियों की टोली सरस्वती नगर कलमना बस्ती नागपुर में एक घर में छिपकर बैठी हुई है। इस जानकारी के आधार पर कंफर्मेशन के लिए टीम ने दोपहर 3 बजे के दरमियान छापा मारा, जहाँ से 2 लोगों को टीम ने धर दबोचा और अन्य को उनके निवास स्थान से हिरासत में लिया। दिनांक 16/6/2020 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखा नागपूर ग्रामीणच्या पथकाने अक्षय भैसारे, नरेश मैलांगे व मुकेश जांभुळकर या 3 अट्टल घरपुड्यांना ताब्यात घेतले। त्यांच्याकडून नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यातील 5 घरपुड्या, नागपूर शहरातील 4 घरपुड्या अशा घरपुड्या त्यांनी कबूल केल्या। त्यांच्याकडून 80 ग्रॅम सोने आणि 2 दुचाकी असा एकूण 385,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे। सदर 3 आरोपी व इतर 2 आरोपी यांना पुढील तपास आम्ही पोलीस स्टेशन मोदा यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे।